जीवन में आपको जो हासिल करना है, जो आपको प्राप्त करना है, उसको दिमाग में रखिए, सोचिए, बात कीजिए, उस पर तर्क कीजिए। और जो चीज़ें आपको पसंद नहीं हैं, जो चीज़ें आप नहीं चाहते कि आपके जीवन में हो, उसके बारे में सोचना भी बहुत गलत होगा। दोस्तों, आप लोगों में से कितने लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं? जितने लोग जानते हैं अच्छे से, वो लोग नीचे कमेंट करेंगे, अच्छे से बताएंगे बाकी लोगों को भी। मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर भी अवेलेबल होना चाहिए, जो कि आपका लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकता है, और उसमें जो लोग बहुत अच्छे कमेंट करेंगे उनके आंसर को मैं शामिल भी करूंगा बाय नेम, नाम के साथ। ठीक है, तो लग जाइए आप लोग, आप लोगों के लिए एक अच्छा अवसर है अपने जीवन को बदलने का। तो शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। तारीख है आज की 3 अक्टूबर, दिन है शनिवार का, और सभी परीक्षाओं के लिए सितंबर माह के सारे करंट अफेयर्स 101 बेस्ट एमसीक्यूज के माध्यम से चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है, जरूर वॉच कर लें, ये सभी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी रहेगा, और लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो एक अच्छी खबर आ रही है कि UP SSSC और UPSSC के माध्यम से बहुत सारे पदों पर भर्ती आने वाली है। बेसिकली MSME यानी कि लघु और मध्यम उद्यम विभाग में कुल 729 पदों पर भर्ती होने जा रही है। हालांकि ये जो 729 पद हैं, इस पर जो भर्ती होनी है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा की जाएगी, जिसमें UP SSSC के हिस्से में आ रहे हैं 414 पद और UP PSSC के हिस्से में आ रहे हैं 47 पद। तो बाकी के जो पद होंगे उनको जो भरा जाएगा, विभागीय भर्ती होगी। ठीक है, तो कुल मिला के 729 पदों पर भर्ती आने वाली है, और आप लोगों को तैयारी करनी होगी। तो समूह ख के अंतर्गत 47 पद होंगे, इसकी भर्ती जो होगी वो UPPSC करेगा। समूह घ के पद होंगे 414, भर्ती UP SSSC के माध्यम से की जाएगी। समूह घ के 258 पदों पर विभागीय भर्ती होगी, और जो रिक्त पद हैं उनके नाम क्या है, सहायक आयुक्त, अपर सांख्यिकीय अधिकारी, सहायक प्रबंधक, सहनिदेशक प्रबंधक, सहनिदेशक, प्रधान लिपिक यानी कि हेड क्लर्क, वरिष्ठ लिपिक और कनिष्ठ लिपिक यानी कि जो जूनियर असिस्टेंट होते हैं, जूनियर क्लर्क होते हैं, व्यक्तिक सहायक आंसू लिपिक, सांख्यिक सहायक, ज्येष्ठ संप्रेक्षक प्रमुख। और कुल बता दें आपको, तो वर्तमान में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विभाग में कुल 3207 पद हैं, इसमें समूह के 108, समूह के 379 और समूह में 2024 पद हैं, समूह में 696 पद हैं। तो उत्तर प्रदेश में ये भर्ती होने जा रही है, और आपको इन भर्तियों के सापेक्ष में देखो, तो आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल होती रहनी चाहिए, क्योंकि आगे जो है बहुत सारी भर्तियां, बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, और आपको जो है बिल्कुल टॉप पे रहना है। अगर आप टॉप पे रहेंगे तभी आपका जो चयन है वो बिल्कुल श्योर हो पाएगा, सुनिश्चित हो पाएगा। इसी के साथ आप लोगों ने देखा होगा कि आर्मी पब्लिक स्कूल यानी कि APS में भी इस समय TGT PGT और PRT यानी कि प्राइमरी शिक्षकों के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है वो आमंत्रित किए गए हैं, और इस पर जो है 20 अक्टूबर तक आप लोग जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और नोटिफिकेशन जो है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और एक वीडियो जिसमें आपके जो डाउट्स हैं उसको दूर करने के लिए एक वीडियो बहुत जल्दी चैनल पर उपलब्ध होगा। और अगर आपके मन में भी इस परीक्षा को लेकर कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन पर आधारित वीडियो होगा उसमें मैं आपके डाउट्स को भी शामिल कर सकूं और आपकी शंकाओं का समाधान भी कर सकूं। तो स्कूल की ओर से किस स्कूल में कितने पद होंगे अभी इसके बारे में क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो नियर अबाउट पद हैं उसके बारे में बताया गया कि 8000 के आसपास पद इसमें हैं। और इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, और ऑनलाइन टेस्ट होगा 21 नवंबर और 22 नवंबर को ऑनलाइन टेस्ट होगा, याद रखिएगा। और इसके बाद जो अभ्यर्थी सफल होंगे उनके साक्षात्कार होंगे, कंप्यूटर टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा। तो जो भी संभव होगा, मतलब जिस भी ट्रेड के लिए जो चीज़ें जरूरी होंगी वो चीज़ें करवाई जाएंगी। एडमिट कार्ड आपको जो है मिल जाएगा 4 नवंबर को ही, परीक्षा जो है 21 और 22 नवंबर को है। फीस 500 रुपये रखी गई है, नोटिफिकेशन देख कर आप आवेदन कर सकते हैं, नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर जाकर प्राप्त हो जाएगी। और उत्तर प्रदेश में स्कूल कॉलेज कब खुलने वाले हैं, तो जो प्रसिद्धी स्कूल हैं उसके बारे में सूचनाएं मिल रही है कि जो प्रसिद्धी स्कूल हैं वो दीपावली के बाद खुले जाएंगे। हालांकि यहां पर आप देख सकते हैं कि जो कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित हाई स्कूल, इंटरमीडिएट कॉलेज और कोचिंग संस्थान हैं उनको खोलने का निर्णय 10 अक्टूबर के बाद किया जाएगा।
उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि 10 अक्टूबर को कोरोना संक्रमण व शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। और प्रसिद्ध स्कूलों के बारे में बात करें तो प्रसिद्ध स्कूल जो है वो खुलेंगे कब, दीपावली के बाद, क्योंकि आपको पता ही है कि सामने वाले समय में दशहरा है और उसके बाद फिर दीपावली है, तो ऐसे मतलब ये एक ऐसी कंडीशन बनती है कि छुट्टियां भी हो जाती हैं और इसके बावजूद संक्रमण का खतरा ज़्यादा रहता है, जिसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। हालांकि जब स्कूल कॉलेज खुलेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना, सैनिटाइजेशन कराना और मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा, इसे देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि आगे चलकर जब स्कूल कॉलेज खुले तो सैनिटाइजेशन को अच्छे तरीके से रखा जाए। वर्तमान में अभी अगर स्कूल कॉलेज खोले जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना, सैनिटाइजेशन और मास्क पहनना अनिवार्य करना मुश्किल हो जाएगा। तो मतलब बेसिकली जो निर्णय लिया गया है वो ये है कि जो प्रसिद्ध स्कूल होंगे वो दीपावली के बाद खोले जाने पर विचार किया जा सकता है। यूपी टेट के बारे में बात करें, यूपी टेट 2019, तो इसकी जो सुनवाई है वो बहुत जल्द हो सकती है। एक अर्जेंसी एप्लीकेशन डाली गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और हालांकि लंबे समय से इस पर सुनवाई नहीं हो पा रही थी। 3 अंकों का मसला है कि 3 अंक बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। याचिका संख्या 3659/2020 शैलेश कुमार के नाम से है। इसके जो अधिवक्ता हैं वो गणेश मिश्रा जी हैं। उम्मीद है कि इस पर जल्द सुनवाई होगी और जो 3 अंकों का जो मैटर है हो सकता है कि सॉल्व हो जाए। हादसे में घायलों की मदद पर नहीं बतानी होगी पहचान। आपने देखा होगा कि तमाम लोग जब रोड एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं तो उनको बहुत सारे लोग समय पर हॉस्पिटल इसलिए नहीं पहुंचाते क्योंकि वहां पर जाने के बाद तमाम पूछताछ होती है। उससे बचने के लिए लोग सड़कों पर घायलों की मदद नहीं करते हैं, तो इसके लिए एक अच्छी खबर है कि अब आप सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को तड़पते हुए देखने के बजाय उसे अस्पताल पहुंचाकर मानवीय कर्तव्य का पालन बेझिझक कर सकते हैं। आपसे अस्पताल में कोई पूछताछ नहीं होगी, न ही आप पुलिस या अस्पताल को अपनी निजी जानकारी दर्ज कराने के लिए बाध्य होंगे। नाम, पता, पहचान, फोन नंबर या दूसरी निजी जानकारियां नहीं मांगी जाएंगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। तो ये एक अच्छी बात है कि अगर आप चुपचाप साइलेंटली फरिश्ते की तरह किसी की मदद करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और इसके लिए आपको नेक बंदा माना जाएगा। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक घायल की मदद करने वाले को नेक बंदे यानी गुड समैटन का दर्जा दिया जाएगा। उसके हितों के संरक्षण के लिए मोटर वाहन अधिनियम 2019 में नई धारा 134A जोड़ी गई है। तो याद रखिएगा, ये हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए कि नेक बंदे के लिए कौन सी धारा है, तो 134A है। और इससे स्पष्ट है कि वाहन हादसे में घायल व्यक्ति को पहुंची चोट या उसकी मौत के लिए नेक बंदे को उत्तरदायी नहीं माना जाएगा। उसके खिलाफ कोई आपराधिक या दीवानी मुकदमा दर्ज नहीं होगा। हालांकि वह स्वेच्छा से निजी जानकारी दे सकता है, ऐसे में उससे पूछताछ करते समय जांच अधिकारी को धारा 134A के तहत दिए गए नियमों और प्रक्रिया का पालन करना होगा। यानी कि बाध्य नहीं किया जा सकता कि अगर कोई व्यक्ति किसी घायल को लेकर आ रहा है तो उससे उसकी जानकारी मांगी जाए और बार बार उसको डिस्टर्ब किया जाए। तो ये चीजें हैं। अच्छी मंशा के साथ इनाम की उम्मीद के बिना घायल को आपातकालीन चिकित्सा उपलब्ध कराने या गैर चिकित्सकीय देखभाल करने या उसे अस्पताल में ले जाने में मदद करने वाले व्यक्ति को नेक बंदा माना जाएगा। और एक अच्छी खबर ये भी है कि पीएम मोदी आज अटल टनल का उद्घाटन करने जा रहे हैं। मनाली लेह मार्ग पर सामरिक महत्व की 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल, जो अटल सुरंग है रोहतांग का, शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे। पीर पंजाल की पहाड़ी को भेद कर 3,200 करोड़ रुपए की लागत से यह टनल 10,040 फुट की ऊंचाई पर बनी है। टनल शुरू होने से लाहौल के लोग हैं वो सर्दियों में बर्फबारी के चलते 6 माह तक शेष दुनिया से नहीं कटेंगे। 1.5 घंटे में मनाली से केलांग पहुंचा जा सकेगा। सेना भी लेह तक आसानी से पहुंचेगी। टनल के कारण मनाली से लेह की जो दूरी है वो 46 किलोमीटर कम हो गई है। तो ये जो सुरंग है इसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और ये भी अच्छी बात है कि ये जो न्यूज आपको मिल रही है ये जीएस के अंतर्गत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी ने राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा यानी कि एनटीएसई 2020-21 की तारीख जो है जारी कर दी है। राष्ट्रीय स्तर की छात्रवृत्ति परीक्षा के प्रारंभिक स्तर यानी कि स्टेज 1 परीक्षा 13 दिसंबर को होगी। वहीं स्टेज 2 की जो परीक्षा होगी सेकंड स्टेज की वो 13 जून 2021 को ली जाएगी। परीक्षा में राज्य शिक्षा बोर्ड और राष्ट्रीय बोर्ड परीक्षा में पढ़ने वाले 10वीं के छात्र शामिल होंगे।
अधिक जानकारी के लिए आप इस पोस्ट को पढ़ सकते हैं या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। एक बड़ी खबर है उनके लिए जो अभ्यर्थी ओबीसी या फिर किसी भी वर्ग से संबंधित हैं, जिनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है। आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई वैकेंसी फिलअप करते हो तो वहां पर कास्ट सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाता है कि आवेदन करने की लास्ट डेट से पहले का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कहीं कहीं पर तो ये भी नियम होता है कि मतलब अमुक डेट से लेकर अमुक डेट के बीच में होनी चाहिए, मतलब एक टाइम लाइन तय की जाती है। तो इस पर एक बड़ा निर्णय अब आ सकता है। और ये जो माध्यम बना है वो पुलिस भर्ती 2018 बनी है। हाई कोर्ट ने पुलिस पीएससी भर्ती 2018 में आवेदन जमा करने के बाद की तिथि में जारी ओबीसी प्रमाण पत्र की स्वीकारता पर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने जानना चाहा है कि विज्ञापन में दी गई तिथि के बाद बना ओबीसी प्रमाण पत्र मान्य होगा या नहीं होगा। पुलिस भर्ती बोर्ड का कहना है कि दस्तावेज सत्यापन के समय याची ओबीसी प्रमाण पत्र पेश करने में विफल रहा, इसलिए उसका चयन नहीं किया गया। कोर्ट ने इसी बात को हलफनामे में दाखिल करने का निर्देश दिया है। विशेष अपील की सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने प्रयागराज के अनस अनवर की विशेष अपील पर दिया है। याचिका का कहना है कि उसने पुलिस पीएससी भर्ती में सारे टेस्ट पास किए लेकिन चयन सूची में उसका नाम नहीं है, जिसे चुनौती दी गई। एकल पीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि 14 जनवरी 2018 को भर्ती निकाली गई, 22 जनवरी 18 को आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि थी। ठीक है, 14 से 22 के बीच में शर्त थी कि ओबीसी प्रमाण पत्र अप्रैल 17 के बाद जारी किया गया हो। याची ने 8 मार्च 2018 को जारी प्रमाण पत्र था पेश किया है, जिसे वैध नहीं कर सकते, इसलिए सामान्य श्रेणी की कटाव से कम अंक होने के कारण वह चयनित नहीं हो सका। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। लेकिन एक्चुअली में अब ये जानना है कि अगर लास्ट डेट के बाद का प्रमाण पत्र होगा तो वो मान्य होगा या नहीं होगा, इस पर जो बहस होगी वो 12 अक्टूबर को होगी। और अगर आप मोबाइल फोन अभी तक नहीं ले पाए हैं, मोबाइल फोन की जरूरत आपको है, तो आपके लिए एक बुरी खबर है कि 3% तक मोबाइल फोन की जो कीमत है वो अब बढ़ सकती है। सरकार ने डिस्प्ले आयात पर 10% का शुल्क लगा दिया है और इसकी वजह से ये जो मतलब कीमतें हैं वो बढ़ सकती हैं। 2016 में घोषित चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम यानी कि पीएमपी के तहत उद्योग से सहमति के बाद डिस्प्ले असेंबली व टच पैनल पर 1 अक्टूबर से शुल्क लगाने का प्रस्ताव था। इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज महेंद्रू ने कहा कि इस कदम से मोबाइल फोन के दाम 1.5 से 3% तक बढ़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना व एनजीटी के एम्बार्गो के कारण उद्योग जगत डिस्प्ले असेंबली का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में बढ़ा नहीं पाया। हम कलपुर्जों के घरेलू विनिर्माण को लेकर प्रतिबद्ध हैं। वोल्कान इन्वेस्टमेंट ने 2016 में 68,000 करोड़ के निवेश से ट्विन स्टार डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज नाम से देश के पहले LCD विनिर्माण कारखाने की स्थापना का प्रस्ताव किया था। हालांकि प्रस्ताव को केंद्र की मंजूरी नहीं मिल पाई थी। तो मोबाइल फोन के दाम जो है वो अब बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की सारी अपडेट्स। मेरी कोशिश रहती है कि आपको दैनिक रोजगार समाचार के साथ साथ जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं उस पर भी डिस्कशन किया जाए, जो कि खबरों में रहते हैं, चर्चा में रहते हैं, ताकि आप एग्जाम्स की तैयारी, रोजगार समाचार और अन्य खबरों से लगातार अपडेट रह सकें। सेशन अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद।